फूल भी निकलता है। यहाँ देखिए इसका फूल है, ये भी इसका फूल है, इसी में बीज होता है। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों हमारे परिवार की तरफ से राम राम, जय जोहार। तो आज का ब्लॉग को अभी स्टार्ट करें, और अभी सुबह का 9:30 बज रहा है और अकेला हूँ घर में, तो काम करने चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ वर्षा तरफ। और इधर हम लोगों का थाला, एक सब्जी तोड़ूंगा आज, तो कौन सा सब्जी है वो तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, भाजी साग है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं अभी अपना वर्षा तरफ, थोड़ा काम वाम कर लेंगे उसके बाद जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अभी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अपना वर्षा तो पहुंच गए हैं, और यहाँ थोड़ा लकड़ी है उसको फाड़ेंगे, उसके बाद चलेंगे भाजी तोड़ने। तो चलिए अभी थोड़ा काम कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ का काम तो ख़त्म कर लिया हूँ, ख़त्म नहीं हुआ है, अगर दोपहर फिर आएंगे, उधर बाकी है फोड़ने के लिए, और इधर पीछे तरफ फोड़ लिया हूँ। अब चलते हैं भाजी तोड़ने, और वहीं पे दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए अभी, और कैसा भाजी है, कहाँ मिलता है, सबको आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। और पूरा पसीना आ रहा है, तो चलते हैं दोस्तों अब। पहुंच गए हम लोग वहाँ, अब भाजी तोड़ते हैं फिर चलेंगे घर। अभी तो पहुंच गए हैं यहाँ, और भाजी कैसा रहता है आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है मूढ़ी भाजी, और इसी का ऐसे तोड़ते हैं खोट खोट के, नाक से खोटना पड़ता है। कुछ ऐसा, और इसका सब्जी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ बहुत सारा है, देखिए पूरा हरा हरा दिख रहा है ना, ये सभी है मूढ़ी भाजी। तो ये देखिए, दोस्तों हम लोग 3 जन का साग तो तोड़ लिए हैं। ये देखिए यहाँ झोला में, और थोड़ा सा एक दो थोड़ा तोड़ लेते हैं फिर चलते हैं घर। तो देखिए कुछ ऐसा, और इसका फूल भी निकलता है। यहाँ देखिए इसका फूल है, ये भी इसका फूल है, इसी में बीज होता है। और वो ऐसा को नहीं तोड़ते हैं, जो नहीं फूला रहता है उसी को तोड़ते हैं।
कुछ ऐसा खोटना पड़ता है जो ऊपर ऊपर में पत्ता है उसी का मुलायम रहता है। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग घर और नहा वहाँ के अब इसको बनाएंगे सब्जी। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और ये है हम लोग का गांव देहात का स्पेशल सब्जी। तो चलते हैं। तो अभी नहा वहा के रेडी हो गए दोस्तों। और इधर देखिए भाजी इतना सा है, तो इसको अभी ऊंडा की तरह काँचेंगे इसको, तब जाके जितना ज़्यादा काँचते हैं उतना ज़्यादा स्वाद आता है इसका। तो देखिए कुछ ऐसा सुर्खी में लेके पानी के साथ ऐसे करना पड़ता है और फिर इसका सब्जी बनाएंगे। तो देखिए ऐसा काँच रही है। इसका सेंट भी निकल रहा है इसका। सब्जी बनाएंगे तो आप लोग अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा इसका प्रोसेस रहता है धोने का, और ऐसे धो धा के साफ करके ऐसे काँचते रहना है। जितना अच्छा साफ करोगे उतना अच्छा स्वाद आता है इसका। और ये हफ्ता में एक आध बार खाने से छोटा मोटा रोग नहीं लगता है आदमी को, क्योंकि ये शुद्ध वाला साग है। काँचने के बाद कुछ ऐसा अभी पूरा साफ हो गया है और भी अच्छा कचाता है, लेकिन ये पता नहीं कैसे नहीं कचाया। तो चलिए अब इसको सब्जी बनाएंगे। अभी बना रहे हैं सब्जी शाम को, और इधर पानी गर्म करने के लिए रख दिए हैं, और इधर धो धा के रखे हैं। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें। कुछ ऐसा प्रोसेस है इसका भाजी का सब्जी। इधर तो अब उबल रहा है, अच्छा से उबाल लेंगे फिर इसको फिर ऐसे निचा के सब्जी बनाएंगे। इधर लहसुन ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, मिर्च लेने चलते हैं। बस दो ठो ही डालेंगे, ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं। तो इसको भी टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। तो चलिए मिर्च भी काट लिए हैं, अभी इसको पकने का तैयारी। तो ये देखिए अभी उसको छान रही है दूसरे बर्तन में, और इधर छोटा वाला पताल डालेंगे। तो इसको ऐसे करते हैं इधर। तो देखिए इसका प्रोसेस, और इधर छोटा वाला टमाटर, बड़ा वाला टमाटर भी डाल सकते हैं। और बस और नमक बस हो गया। तो देखिए अभी टमाटर डाल रही है। तो देखिए अभी डाल दिए हैं और नमक भी डाल दिए हैं। अभी देखिए क्या मस्त दिख रहा है। बना रही है ये,
हाँ तोड़ने वाला कौन? दुदाना एक चिमटी वो दिन नीरा लगे हैं चल तोड़ जाओ वो की मैं तो नहीं खा रहा है भाजी के ही सोचे था हाँ सिंपल वाला सब्जी कुछ हल्दी मसाला नहीं टमाटर लहसुन मिर्च और नमक देखिए फिर से उनच भी है और फिर से अभी तेल डालेगी और लहसुन मिर्च तैयार हो गया है। अब इसको उतारते हैं यहाँ और देसी सब्जी और देसी दोना गरम गरम तो यहाँ देखिए दोस्तों हो गया। अब निकालेंगे तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं और हमारे डूला फैमिली ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जय भारत। और ऐसे ही गाँव देहात वाला सब्जी देखने के लिए चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।